मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पनीर। हम व्रत वाले आलू पनीर बनाएंगे जो हम नवरात्रों में बनाकर खा सकते हैं। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देखें। नवरात्रों के व्रत के आलू पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा दही, रिफाइंड ऑयल, लाल मिर्च, उबले हुए आलू, पनीर, नमक और जीरा। आइए हम बनाना शुरू करते हैं अपने आलू पनीर। इसके लिए हमने ये चार जो हैं उबले हुए आलू लिए हैं, इसे हम बीच में से काट लेंगे। ऐसे हमने जो है इसके पीसेस कर लेने हैं। बहुत बड़े पीस भी नहीं करेंगे और बहुत छोटे भी नहीं करेंगे, ऐसे ही हम इनको काट लेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको ऐसे काट लेना है। और जो ये पनीर है इसके भी हम ऐसे ही पीसेस कर लेंगे। इसे छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इसके। जैसे आप चाहें आप पनीर के पीस काट सकते हैं। आप चाहें तो आप बड़े पीसेस भी काट सकते हैं, छोटे भी काट सकते हैं। ये हमने पनीर के पीसेस कर दिए हैं और आलू के पीसेस भी हमने कर दिए हैं। अब हम इसको जो है तड़का लगा लेंगे। पैन के नीचे की जो गैस है हमने खोल ली है। अब जो है इसमें हम डालेंगे अपना थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, तकरीबन आधी कड़छी हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल की। इसमें अब हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच जीरे का। इसको हम थोड़ा सा जो है भुनने देंगे। साथ में ही हम डाल देंगे इसमें अपना थोड़ा सा नमक, तकरीबन 1/3 स्पून, और लाल मिर्च डाल देंगे 1/3 स्पून। इसको जो है हम हिला लेंगे थोड़ा सा। और हमने ये दही लिया हुआ है, ये आधी कटोरी हम दही के इसमें डाल देंगे। ये अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। ये व्रत वाले आलू हैं, इसमें जो है टमाटर भी नहीं पड़ता है। ये मसाला हमारा भून गया है, इसमें हम आधा चम्मच जो है अदरक का डालेंगे, अदरक के पेस्ट का, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। आप अदरक जो है तड़के में जीरे के टाइम, जैसे जब भी हम जीरा डाला है तब भी आप डाल सकते हैं, कटा हुआ अदरक भी आप डाल सकते हैं। इसमें अब हम आलू डाल लेंगे थोड़े से। ये हमने आलू डाल लिए हैं, ये थोड़े से आलू हमने बचा लेने हैं। इसको हमने जो है मैश कर लेना है। हाथ से हम इसको ऐसे मैश कर लेंगे, ऐसे मैश करके हम मैश करे हुए आलू इसमें डाल देंगे। इसको हमने हिला लेना है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। एक से दो मिनट तक हम इसको भून लेंगे। हमने जो है पहले इसमें 1/3 स्पून नमक का डाला था, थोड़ा सा हम इसमें नमक अब और डाल लेंगे, तकरीबन 1/3 स्पून नमक का और डालेंगे, या आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च हम इसमें और डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में ही हम ये बारीक कटा हुआ ये पनीर भी डाल देंगे इसमें, ये छोटे छोटे पीसेस हमने काट के रखे हैं, और इसको मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसमें अब हम डाल देंगे अपना पानी। और इसको हिलाएंगे। पानी जो है हमने एक ग्लास पानी का डालना है इसमें, या जितनी ग्रेवी आप चाहें आप डाल सकते हैं। इसको जो है अब हम बॉईल आने देंगे। बॉईल जो है हमारा देखिए अब आने वाला है।
एक बार इसमें बॉईल आ जाए तो हम इसको ढककर फिर दोबारा 10 से 15 मिनट के लिए इसको हल्की गैस में इसको पकाएंगे। ये देखिए हमारा बॉईल आ गया है, अब जो है हम इसको ढक देंगे और 10-15 मिनट बाद इसको खोलेंगे। गैस हमने हल्की कर लेनी है, बिल्कुल हल्की गैस में हम इसको बनाएंगे। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, सब्जी हम चेक करेंगे। सब्जी भी हमारी बन गई है, इसमें जो थोड़े से पनीर के पीसेस हैं इसमें से तकरीबन 2 पीसेस हम ऐसे जो है बीच में ही 2-3 पीसेस मैश कर लेंगे और आलू भी हम 1-10 इसमें मैश कर लेंगे। इससे जो है हमारी ग्रेवी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी और टेस्टी भी बन जाएगी। ये ऐसे हम कर लेंगे, बस हमने इतना ही करना है। आलू हमारे बन चुके हैं, गैस हम बंद कर देंगे और अपने आलू पनीर अब हम सर्व करेंगे। ये आलू पनीर हमारे बन के तैयार हो गए हैं, हमने इसको अपने बोल में डाल दिया है। ये जो आलू पनीर है ये हम व्रत में, नवरात्रों के व्रत में हम खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। इसे हम जो है व्रत वाले आटे की जो है पूड़ी बना के उसके साथ खा सकते हैं, चपाती बना सकते हैं व्रत वाले आटे की, सिंघाड़े का आटे की हम चपाती बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये आलू पनीर उसके साथ। आप इसे मेरी रेसिपी से बनाकर देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और मेरा चैनल खूब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।